एक लड़की और दो फ्रेंड्स एक साथ रिलेशनशिप में थे। उनका बिजनेस इलीगल था तो इस वजह से लड़की को किडनैप कर लिया जाता है। अब उस लड़की को बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे ये हम आज के हमारी मूवी सैवेजेस ये 2012 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी तरीके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है हमें एक क्लिप दिखाई जाती है जिसमें कुछ लोगों को मार दिया गया। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर ओ स्टोरी सुना रही थी। उसका नाम ओफिलिया था पर सब लोग उसे ओ बुलाते हैं। उसने हमसे कहा कि मैं स्टोरी सुना रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि स्टोरी के एंड में मैं जिंदा हूँ। हालात कुछ ऐसे हो गए कि इसके आगे क्या होगा ये कोई भी बता नहीं सकता। इसके बाद वो अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है। कैलिफोर्निया के बीच के पास एक बड़े से हाउस में ओ और जियान ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। वो हमसे कहती है कि जो बहुत ही अग्रेसिव है, वो आर्मी में था और अफगानिस्तान में उसने टूर किया था तो इस वजह से सारा गुस्सा वो हमेशा निकालता रहता है। वो हमेशा उसे प्यार करने की बहुत कोशिश करती है। आज जॉन को एक ईमेल आया था, उसने ओपन किया तो जिस लोगों को मूवी के फर्स्ट में मारा जा रहा था उसकी वीडियो कर जॉन को सेंड की गई थी। उस ईमेल में लिखा था कि उन लोगों की तरह बेवकूफ़ी मत करना, हमसे जल्द से जल्द मिल जाओ। एक्चुअल में जॉन और उसके फ्रेंड बेन का वीड का बिजनेस है। एक मैक्सिकन गैंग उससे बिजनेस लेना चाहती है, इसी के रिलेटेड ही ईमेल था। ईमेल के बारे में पता चलने के बाद बेन भी यहाँ पर पहुंच जाता है। वो बेन से भी बहुत ही प्यार करती। वो एक साथ जॉन और बेन इन दोनों के प्यार में है। बेन यहाँ पर आ चुका है ये भी गैंग को पता चल गया था। बेन और जॉन एक कॉलेज में मिले थे। सबसे अच्छा वेड़ अफगानिस्तान में बनता था तो बेन को आइडिया आया कि जॉन अगर आर्मी ज्वाइन कर वहाँ सर्व करने के लिए जाए तो वहाँ से सीट्स ला सकता है। उसी के बाद उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उनके प्रोडक्ट ये बहुत ही प्योर था। बेन पर्सनली इन सब चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व था पर उसका मानना था कि जितना हम कम्युनिटी से लेते हैं हमें उतना वापस भी करना चाहिए। इस वजह से वो अफ्रीका में जाकर वहाँ के किड्स को मदद करता था, स्कूल्स बनवाता था और अलग अलग चीज़ों में हेल्प करता था। बिजनेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो जॉन जाकर उन लोगों को धमका देता है तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। वो जॉन के पास आई और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद जॉन और बेन इन दोनों बात करते हैं। बेन को लग रहा था कि अगर उस गैंग को उनका बिजनेस चाहिए तो उन्हें वो दे देना चाहिए। जॉन कहता है कि अगर इस तरीके से हम उनसे डर जाए तो हमेशा डरा दे रहेंगे। जॉन कहता है कि हम उन सब लोगों को मार सकते हैं। बेन ने कहा कि वायलेंस अच्छा नहीं होता, वो बुद्धा की फिलोसॉफी को फॉलो करता था। वो इनकी बातों को सुनकर उन्हें शांत कर दिया, कहती कि आज रात हम सब रेस्टोरेंट में चलते हैं। इसके बाद हमें गैंग का हिटमैन जिसका नाम है लाडो ये दिखाया जाता है। लाडो के बॉस को डिफेंड करने का काम एक लॉयर को दिया गया था और लॉयर की वजह से उसके बॉस को जेल में जाना पड़ा तो इस वजह से लाडो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। वो आकर कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा बॉस 15 साल जेल में है, तुम्हें अब इसके लिए भुगतना पड़ेगा। वो उसके दोनों पैर पर गोली मारने वाला था। लॉयर कहता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लाडो इस बात के लिए मानता नहीं तो लॉयर ने कहा तुम्हारे बॉस का दुश्मन ये भी यहाँ पर आकर बिजनेस करने वाला है, अगर तुम इन सब से प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। लाडो इस बात पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो बॉस को कॉल करने के लिए कहता है। कॉल लगाने के बाद बॉस के सामने ही उसने लॉयर को मार दिया। उसके एक आदमी को लॉयर की वाइफ को मारने के लिए भी वो कहता है। वो लड़का ये करने से मना कर रहा था पर लाडो ने उसे ज़बरदस्ती मारने के लिए कहा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जॉन और बेन को एक पुलिस ऑफिसर से मिलता हुआ देखते हैं। इसका नाम था डेनिस। डेनिस हमेशा जॉन और बेन के लिए हर एक चीज़ पर नज़र रखता था, यानी कि वो अरेस्ट ना हो। डेनिस उनसे कहता है दो गैंग के बीच में प्रॉब्लम है तो इस वजह से वो एक दूसरे का बिजनेस ले रहे हैं। अब उन्हें नए सप्लायर की ज़रूरत है तो इस वजह से हर एक पर वो अटैक कर रहे हैं। तुम्हारे पास का प्रोडक्ट बहुत ही प्योर है तो इसी वजह से तुम्हारे पास वो आ रहे हैं। उसका मानना था कि उन्हें जो चाहिए वो सब दे दें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बेन को भी ये सब सही लगता है। उसने कहा कि हम एक लीगल बिजनेस करेंगे जैसे कि सोलर पैनल्स। इसके बाद एक गैंग से मिलने के लिए एक होटल में आए। गैंग का मेंबर एलेक्स उनसे कहता है इस सब कुछ एकदम नॉर्मल रहेगा, 3 साल तक तुम लोग हमारे लिए काम करोगे, हम सिर्फ 30% लेंगे, हमारा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है तो तुम सब लोगों को भी बहुत फायदा होगा, 3 सालों बाद हम फिर से डील करेंगे। जॉन बेन से कहता है कि चलो हम बाहर जाकर बात करते हैं। बाहर जॉन ने अपने एक्स मिलिट्री के स्नाइपर लगाए हुए थे, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सब लोगों को मार डालेगा। बेन ने कहा कि हम ये डील नहीं करेंगे पर सारा बिजनेस उन्हें दे देंगे, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये बात जाकर वो गैंग्स के मेंबर को बताता है जो इसके लिए मान नहीं रहे थे। जॉन इस बात पर गुस्सा हो गया था पर एलेक्स ने कहा कि तुम्हारे पास एक दिन है, तुम्हें जो सोचना है वो सोच लो। मीटिंग के बाद उनके अकाउंटेंट के पास आए, उन्हें 1-2 साल के लिए गायब होना था, सब जो पैसे लगेंगे इसका अकाउंट उन्होंने उसे क्रिएट करने के लिए कहा। रात में ओ को डिनर के लिए लेकर गए। बेन उनसे कहता है कि एक बहुत ही अच्छा विलेज है, उन्हें मैंने हेल्प की थी, वहाँ पर हम सब रह सकते हैं।
वो इस बात को लेकर बहुत खुश थे। या किसी ने कुछ गिरा दिया तो चौन अपनी गन निकाल लेता है, तो बहुत ही डरा हुआ था। रात में हम लाडो को उसकी वाइफ के साथ देख सकते हैं। वो अपने बेटे के गेम में था तो उसे बहुत प्रेशराइज कर रहा था। उसकी बेटी जिस तरीके से ट्रेस करती है ये भी बात उसे सही नहीं लगती। वो हमेशा अपनी वाइफ को बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करता है। उसे फिर से अपनी बॉस का कॉल आ गया। लाडो की वाइफ को लगता था कि लाडो का अपने बॉस के साथ अफेयर चल रहा है। रात में वो जॉन और बेन पर नजर रखता है। इन तीनों में जो भी चल रहा था ये बात उसे बहुत ही गलत लगती है। सब आज रात हाई हो गए और इंटीमेट हो जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मैं एक छोटे से विलेज में ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकती। उसे इन सब चीजों की आदत नहीं है। इनके पास और कोई भी चॉइस नहीं थी। अगली सुबह वो शॉपिंग के लिए जा रही थी तो चौन अपने आदमी उसके साथ भेजता है और कहता है कि जल्दी से वापस आ जाना। वो की मदर हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर रहती थी तो वो क्या करती है तो इससे उसे ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। घर पर चौन और बेन अपने बिजनेस के सारे रिकॉर्ड्स मिटा रहे थे। आज रात वो भाग जाने वाले थे। वो को प्रोटेक्ट करने के लिए चौन का जो आदमी गया हुआ था उसे पुलिस पकड़ लेते हैं। पुलिस ने उसके पास आकर डायरेक्टली उसे शूट कर दिया। एक्चुअल में गैंग के लिए आदमी काम करता था। इसके बाद वो को किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद हमें गैंग की बॉस दिखाई जाती है जिसका नाम है एलेना। एलेना अपनी बेटी को कॉल करती है जो कैलिफोर्निया में भी पढ़ रही थी। उसकी बेटी को उससे ज्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता। आज बहुत ही लेट हो गया फिर भी वो घर पर नहीं आई। जॉन और बेन को ईमेल आता है जिसमें वो को बंदी बना लिया था। वो दोनों कहते हैं कि आप जो भी चाहोगे वो सब हम करेंगे, प्लीज ओ को जाने दीजिए। एलेना ने जॉन से कहा कि गन लो और अपने मुंह में डालो। ये सब लोग बहुत डर गए थे। तभी एलेना उसे माफ कर देती है। एलेना ने कहा कि आज रात तुम्हारे प्रोडक्ट की हमें फर्स्ट डिलीवरी चाहिए। जॉन और बेन अपने एक फ्रेंड से प्रोडक्ट ले लेते हैं। वो बहुत ही फास्ट जा रहे थे और उनके पीछे एक पुलिस लग गया तो बेन डर जाता है। उन्होंने गाड़ी स्लो कर ली। अगर पुलिस उसे रोकता तो जॉन उस पुलिस को मार देने वाला था। पुलिस ने अपने सायरन लगाए पर वो आगे चला जाता है। डिलीवरी लोकेशन पर पहुंचने के बाद प्रोडक्ट लेकर गैंग के आदमी चले जाते हैं। उन्होंने एलेना को कॉल लगाया। एलेना कहती कि अब हमारी डील बदल चुकी है। 3 साल तक अब हम 30% लेंगे। वो हमारे पास 1 साल तक रहेगी। हम देखेंगे कि क्या तुम अच्छे से काम कर रहे हो या नहीं, फिर उसके बाद हम उसे छोड़ेंगे। अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो हम उसे मार डालेंगे। इसके बाद जॉन बेन पर गुस्सा हो गया था। उसने कहा कि हमें उन लोगों को तभी मार देना चाहिए था। अगर हम अब भी उनकी बात मानते हैं तो 1 साल के बाद हम तीनों को मार डालेंगे। हमें इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। वो बहुत ही डर चुकी थी। वो कहती है मेरी मदर वरीड हो जाएगी। अगर मैंने उसे ईमेल भी नहीं किया तो पुलिस को तुम्हारे पीछे लगा देगी। नेक्स्ट दिन में वो दोनों डेनिस के पास आए। उसे कहते हैं कि हमें एलेना के बारे में सब कुछ पता करना है। वो कहता है कि तुम दोनों उसके खिलाफ नहीं जा सकते। जॉन उसे धमकाता है और सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए मजबूर करता है क्योंकि उनके पास डेनिस के खिलाफ भी फाइल्स थी। अगर वो दोनों ट्रबल में आते तो डेनिस की भी जॉब चली जाएगी। डेनिस उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है। डेनिस के कनेक्शंस थे और एलेना के बारे में पुलिस को जो भी सब पता था ये सारी इन्फॉर्मेशन वो कार्ड्स में डाल देता है। इन कार्ड्स को जब वो चेक करते हैं तो एलेना को ऑपरेशन जिस जिस जगह से चलता है इन सब के बारे में उन्हें पता चल गया। बेन ने अपने अकाउंटेंट से पूछा कि उनके पास अब कितने पैसे हैं। उनके पास $8 million थे। बेन को ये बहुत ही ज्यादा कम लगते हैं। अगर वो 1 साल के बिजनेस का पूरा प्रॉफिट लेकर एलेना को दे दे तो ओ को छुड़वा सकते हैं, पर इसके लिए उन्हें और भी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। उसे आइडिया है कि एलेना की यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वहां पर वो पैसे रखती होगी, वहां पर वो रेट डाल सकते हैं। पैसों के बारे में बेन ने एलेना से बात की पर $15 million मांग रही थी। बेन उसे कम करकर $13 million पर लेकर आता है। पैरेलल में ओ को लैपटॉप दिया गया। वो अपने मदर को ईमेल लिखती है जहां पर उसे बता देती कि सब कुछ ठीक है। जॉन अपने सब फ्रेंड्स को लेकर रेडी हो गया। उन्होंने स्नाइपर्स हायर किए थे। एक साथ 3 लोकेशन पर वो अटैक करते हैं। उन्होंने एलेना के सब आदमियों को मार दिया और पैसे वो ले लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाडो और उसकी वाइफ झगड़ रहे थे तो लाडो उसे बहुत मारता है। लाडो की वाइफ उसे छोड़कर जाना चाहती थी तो उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें ढूंढ कर मार डालूंगा। उसे वो जबरदस्ती करता है। लाडो को जब पता चला कि उसके आदमियों पर हमला हुआ था तो डर जाता है। इस सब के बारे में वो एलेना को नहीं बताना चाहता। उसे शक था कि ये सब जॉन और बेन ने ही किया है। पहले उसे प्रूफ करेगा और उसी के बाद एलेना को बताने वाला है। वो हमेशा पहले हाई होती थी तो उसे अपने डोज की जरूरत थी, तो इसकी वजह से वो एलेना से बात करती है। एलेना ओ को अपनी बेटी की तरह मानती है तो उसकी हर एक चीज को पूरी करती है। अगले दिन लाडो के आदमी जब बेन से मिले तो उसे कहते हैं कि हम पर हमला हुआ था, और बेन इस तरीके से प्रिटेंड करता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। एलिस को लग रहा था कि शायद बेन को एक्चुअल में इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, पर लाडो का शक नहीं जाता। रात में ओ जब नशे में थी तो लाडो उसके पास आया था।
नेक्स्ट सीन में एलेना डिसाइड करती है कि उसकी डॉटर अगर उसे मिलने के लिए नहीं आती तो जाकर उसे कैलिफोर्निया में मिलेगी। एलेना के यहाँ पर आने के बाद वो ओक को उसके साथ रहने के लिए बुला लेती है। उसने अपने आदमियों से कहा कि ओक का अच्छे से ख्याल रखना। पहले उसे होस्टेज की तरह रखा जा रहा था पर अब अच्छी तरीके से उसे ट्रीट किया जाता है। एलेना को जब पता चला कि उसके आदमियों पर अटैक हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसने लाडो से कहा, तुम इस तरीके से बात मुझसे छुपा क्यों सकते हो? और जो भी पैसे चोरी हुए थे ये सब वो लाडो से ही लेने वाली थी। रात में डिनर करते वक्त वो एलेना से पूछती है, तुम इस बिजनेस में कैसे आए? एलेना ने कहा कि हमारे दुश्मनों ने मेरी सारी फैमिली को मार दिया था तो मुझे बिजनेस करना ही पड़ा। वो कहती कि तुम्हारी कोई भी फैमिली नहीं है पर जॉन और बेन मेरी फैमिली है, वो मुझे बचा लेंगे। एलेना कहती कि तुम तीनों के बीच में जो भी है इसे प्यार नहीं कहते। जॉन और बेन ने मिलकर कुछ सबूत क्रिएट किए जिससे एलेना को लगेगा कि एलेक्स ने उन पर हमला किया था। इसकी फाइल वो जाकर लाडो को देकर आते हैं। एलेना और वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लग गई थी तो उनमें भी बॉन्डिंग हो जाती है। एलेना को जब एलेक्स के बारे में पता चला तो कहती कि उसे टॉर्चर कर मार डालो। एलेक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन तो बेन ने ही दी थी तो उसे भी वो देखने के लिए कहते हैं। लाडो एलेक्स को टॉर्चर करते हुए कहता है कि अगर तुमने हाँ नहीं कहा तुम्हारी सारी फैमिली को मैं मार डालूंगा। मजबूर होकर वो बोल देता है कि मैंने तुम लोगों पर हमला किया था। इसके बाद वो बेन को ही उसे मारने के लिए मजबूर करता है। बेन ओ को किसी भी हालत में बचाना चाहता था तो एक काम वो कर देता है। ये सब कुछ एलेना ने ओ को भी दिखाया। नेक्स्ट सीन में लाडो को डेनिस के बारे में पता चल जाता है। उसे भी धमकाने के लिए और मारने के लिए आया हुआ था पर डेनिस कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जो भी सब अब होने वाला है इसमें एलेना का दुश्मन उसे मार डालेगा, इन सब में मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। डेनिस लाडो को बहुत सारे पैसे देने के लिए भी मान जाता है। अगली सीन में डेनिस बेन और चाव से मिला। उनसे कहता है कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है पर इसके लिए तुम्हें $3 मिलियन लगेंगे। उसने कहा कि एलेना इस कंट्री में अपनी डॉटर से मिलने के लिए आई है। चाउन और बेन को आइडिया आता है कि एलेना को डॉटर को किडनैप कर सकते हैं और इसके बाद ओ के बदले उसे दे देंगे। उनकी डील फिक्स हो गई। जाकर उन्होंने एलेना की डॉटर को किडनैप कर लिया। उसकी वीडियो उन्होंने एलेना को भेज दी। एलेना इस बात से बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो अब जाने वाली थी तो लाडो उसके पास आया। जाने से पहले उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें जब वो नशे में थी तो लाडो ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। नेक्स्ट सीन में हम डेनिस को उसकी वाइफ के साथ देखते हैं जिसे कैंसर था। उसे कहता है कि मैं जैसा भी हूँ पर मैंने तुमसे बहुत ही प्यार किया था। एक जगह जॉन और बेन ने फिक्स की और वहाँ पर वो मिल जाते हैं। ओ को लगा था कि यहाँ पर वो सब लोग मर जाएंगे पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओ और एलेना की डॉटर को एक्सचेंज कर दिया जाता है। तभी वहाँ पर डेनिस सब पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुँच गया। एलेना अपनी डॉटर को डायमंड का नेकलेस देकर भगा देती है और सब लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं। डेनिस ने पुलिस को बताया कि जॉन और बेन मेरे लिए काम करते थे तो उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। सारे पैसे लेकर बेन जिस विलेज के बारे में बात करता था वहाँ पर वो पहुँच गए। वो लोगों की हेल्प करते थे। वो हमसे कहती कि हम तीनों के बीच में जो भी है इसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम हमेशा ऐसे ही रहना चाहते हैं। हमारे प्यार में कोई भी आ नहीं सकता। और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। कितने भी मुश्किलें आ जाए फिर भी इनकी वियर्ड सी रिलेशनशिप ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।